अभिषेक बच्चन ने उतारी शादी की अंगूठी, अभिषेक के हाथ से गायब दिखी वेडिंग रिंग। ऐश के पति का ये अंदाज देख फैंस को हुई टेंशन, क्या सच में अलग होने वाले हैं ऐश्वर्या और अभिषेक। बच्चन परिवार के बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या के अलगाव की खबरों से गॉसिप के बाजार को गर्म कर रही हैं। लंबे समय से ऐश्वर्या और अभिषेक साथ नहीं देखे गए हैं, दोनों अब एक साथ किसी भी इवेंट में नजर भी नहीं आते हैं। जहाँ ऐश्वर्या होती है वहाँ अभिषेक नहीं होते, और जहाँ अभिषेक जाते हैं वहाँ ऐश्वर्या नहीं होती। खबरें हैं कि शादी के 16 साल बाद अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में दरार आ गई है। इस खबर ने फैंस की टेंशन को बढ़ा दिया है। ऐश्वर्या से अलगाव की खबरों के बीच अब अभिषेक बिना वेडिंग रिंग के दिखाई दिए हैं, जिसने फैंस की टेंशन को और बढ़ा दिया है। हाल ही में अभिषेक दिल्ली के एक इवेंट में पहुंचे। अभिषेक हमेशा अपने हाथों में वेडिंग रिंग कैरी किया करते थे, लेकिन यहां उनके हाथ में कोई भी अंगूठी नहीं थी। अभिषेक ने खुद इवेंट की फोटो को शेयर किया है, जहां उनके हाथों से वेडिंग रिंग गायब है। पी टाउन से सामने आई जूनियर बच्चन की इन लेटेस्ट तस्वीरों ने एक अलग ही हलचल पैदा कर दी है। ये तस्वीरें उस बात का सबूत दे रही है, जिसमे ऐसा दावा किया गया कि अभिषेक ने अपनी शादी की अंगूठी को हाथ से उतार दिया है। पहली तस्वीर में अभिषेक ओमेगा इवेंट में नजर आ रहे हैं, जहां अभिषेक सेंटर स्टेज पर देखे गए हैं। अभिषेक नीले रंग की शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अभिषेक की इन तस्वीरों पर एक शख्स ने कमेंट्स करते हुए लिखा है कि अभिषेक अपनी शादी की रिंग नहीं पहने हैं, और दूसरे यूजर ने लिखा इनके हाथों में वेडिंग रिंग नहीं दिखाई दे रही है। वहीं तीसरे ने लिखा पत्नी से तलाक ले लिया क्या आपने। वहीं एक ने तो ये भी कह दिया कि अब तो इनका तलाक समझ लो। एक तरह जहां यूजर ऐश्वर्या और अभिषेक के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमिताभ के बेटे और बहू शादी के 16 साल बाद सेपरेट होने जा रहे हैं। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिए। और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।